नमस्ते दोस्तों, सैर सपाटे की जगहों के बारे में बताते हुए एक और बहुत खूबसूरत जगह के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जब भी हम कहीं जाते हैं, अगर हमको वहाँ जाने की पूरी प्लानिंग पहले से पता लग जाए, यानी वहाँ जाने में कैसे जाया जाए, बस से जाया जाए, ट्रेन से जाया जाए या फिर फ्लाइट से जाया जाए, और अगर जाएँ तो क्या खर्चा लगेगा, ट्रेन से क्या लगेगा, बस से क्या लगेगा, और वहाँ पे होटल का क्या खर्चा लगेगा, कौन कौन सी जगह वहाँ घूमनी चाहिए, अगर ये पूरे खर्चे का ब्रेकडाउन आपके पास आ जाए तो आपके लिए वहाँ जाना और प्लान करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ऐसी ही एक साइट है जो ये बताती है आपको कि बिल्कुल आपको एक बहुत ही टू द पॉइंट कैलकुलेशन करके बता देती है कितना आपका खर्चा लगने वाला है। तो इस साइट का नाम है www.indiainfo.help। तो आपको करना क्या है, आइए इस साइट पर जाना है। तो आज मैं आपको बताता हूँ खूबसूरत मैक्लोडगंज धर्मशाला, अगर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हो तो वहाँ क्या खर्चा लगेगा, कौन कौन सी जगह आपको वहाँ पे घूमनी। और धर्मशाला और मैक्लोडगंज जो कि अपने खूबसूरत धौलदार हिमालयन माउंटेन रेंज के लिए प्रसिद्ध है, हरी भरी वादियाँ, दलाई लामा का घर है, और दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम भी धर्मशाला में ही है। तो आइए जानते हैं कैसे हम यहाँ जाएं, क्या क्या खर्चा हमें हमें यहाँ पे करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, इंडिया इन्फो डॉट हेल्प इस साइट पर जाना है। यहाँ डेस्टिनेशन में आपको सेलेक्ट करना है मैक्लोडगंज, और सोर्स में सेलेक्ट करना है दिल्ली। जब ये सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा ये सब आ जाएगा। आपको नीचे आना है थोड़ा सा, यहाँ पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे एक की बजाय दो लोग, तो कम से कम दो लोग तो होंगे ही जब जाएंगे, तो एक दो तीन, तो यहाँ पे तीन लोग होते हैं, तो तीन आप करेंगे तो ट्रैवल मोड सेलेक्ट करेंगे। तो ट्रैवल में आप, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं दिल्ली से अगर जाया जाए, तो दिल्ली से अगर ट्रेन से जाते हैं तो 10 घंटे लगते हैं बाई कार, तो आपके जाते हैं तो 4,000 रुपये के आसपास खुद की टैक्सी से। बस 11 घंटे लेती है, अगर इस ढंग से एसी स्लीपर एसी वोलो में जाएंगे तो इस ढंग से आपके पैसे लगेंगे, अगर एसी सीटर में जाते हैं तो 2,000 रुपये, आने जाने के स्लीपर में जाते हैं तो इस ढंग से ये आपके लगेंगे। अब फ्लाइट मैक्लोडगंज के लिए आप कोई डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से नहीं है, और इसके लिए आपको वहाँ पर करीबन 120 किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट है, तो वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको ये पूरी फ्लाइट मिलेगी। पर फ्लाइट बहुत अच्छा वाइबल ऑप्शन नहीं होता है, फ्लाइट इतनी रेगुलर भी नहीं है, और वहाँ पर जो है एयरपोर्ट भी बहुत छोटा है, इसीलिए आपको फ्लाइट बहुत वाइबल ऑप्शन नहीं होता है। भुंटर एयरपोर्ट है, भुंटर एयरपोर्ट तक आप चाहें तो जा सकते हैं, पर बहुत वाइबल ऑप्शन है। ट्रेन ट्रेन इसके लिए आपको ट्रेन भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, या तो आप पठानकोट चले जाएं, पठानकोट से, हाँ अगर आप पठानकोट से चले जाएं तो पठानकोट से आपको, पर दिल्ली या यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन वहाँ नहीं जाती, आपको पठानकोट जाना पड़ेगा, पठानकोट से फिर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, फिर आप वहाँ जाएंगे फिर वापस। तो इस प्रकार से जैसे मैंने कहा कि हम ट्रेन बस से गए और बस से 2,800 रुपये लग गए। अब आता है मैक्लोडगंज में खाने की कॉस्ट, खाने की कॉस्ट वेज खाना खाते हैं तो ये हो गया आपका, और खाने की कॉस्ट हो गई आपकी, और इसी तरीके से आप यहाँ आते हैं होटल की कॉस्ट। तो अगर आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो सीजन में जाएंगे, ऑफ सीजन में जाएंगे तो कम से कम आप थोड़ा इकोनॉमी अच्छा होटल लेंगे तो इतना आपकी ये कॉस्ट हो गई। तो जो जो चीज़ें आप सेलेक्ट करते रहेंगे यहाँ पे आता रहेगा। टैक्सी की कॉस्ट मैक्लोडगंज में, अगर टैक्सी क्योंकि कहीं पे लोकल साइड करेंगे तो ये 500 रुपया हो गई, तो इस ढंग से ही हो गया। और एडवेंचर करेंगे, एडवेंचर एक्टिविटीज़ की कॉस्ट ये अलग अलग है। एडवेंचर यानी कि आपको मान लो ट्रैकिंग करनी है, या आपको रिवर राफ्टिंग करनी है, या फिर पैराग्लाइडिंग करनी है, इसकी कॉस्ट तो ये आप पे है। तो आप देख सकते हैं अभी तक दो लोग का खर्चा आपका आया है लगभग 8,500। और लेकिन ये बता दूँ, ये खर्चा तब होता है जब खुद से आप अपने से जा रहे हैं। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी की मदद से जाएंगे तो ये खर्चे का ही बढ़ जाएंगे, कम से कम लगभग ये खर्चे आपके दुगने के आसपास हो जाते हैं, या इसमें ये मानिए 1/3 2/3 खर्चा आपका बढ़ जाएगा।
तो अब आते हैं, अब हम जानते हैं धर्मशाला आप पहुंच गए, आपका खर्चा इतना लगा, तो वहां पे कौन कौन सी जगह आपको घूमनी है। भागशुनाग वाटरफॉल है, ये सबसे पहले जाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रैकिंग करना पड़ेगा। भागशुनाथ मंदिर है, वहाँ तक गाड़ी जाती है, उसके बाद ये वाटरफॉल है। बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन पानी होता है यहाँ पे। अगर आप एक पानी उसका सिक्का इस वाटरफॉल में, नीचे झील बनी है उसमें डालेंगे, सिक्का डालेंगे कोई कोहन, तो नीचे आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा, आप तैर सकते हैं। छोटी सी झील है, इसके बगल में ही एक मंदिर है, और आप पिकनिक वगैरह मना सकते हैं। और यहाँ जाने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रैकिंग करना है, बहुत खूबसूरत फॉल, तो यहाँ जरूर जाएं। और इसके बाद डल लेक आता है, छोटी सी ये लेक है, इसको अगर एक पॉन्ड कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। छोटा सा, बहुत ही छोटी सी झील है, पर 2-3 किलोमीटर दूर है मैक्लोडगंज से। पर झील की जो जगह, जगह बहुत खूबसूरत, चारों तरफ पाइन्स के पेड़ों से ये घिरी हुई है। यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं आप, 1 से 2 घंटे बड़े आराम से बिता सकते हैं। बच्चों के साथ जा रहे हो तो इस जगह से जाइए, ये बड़ी खूबसूरत जगह है। फिर आता है नोपलिंगा इंस्टीट्यूट, ये बहुत बढ़िया और शानदार जगह है। ये तिब्बतियन आर्ट कल्चर की बहुत ही जानी मानी जगह है। इस जगह पर इस जो एक तिब्बतन आर्ट कल्चर का एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर तिब्बतन संस्कृति को जीवित रखते हुए ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट बनाना, पेंटिंग करना, वहाँ की कारपेंटरी करना, टेलरिंग करना, मेटल का काम, ये सब सिखाया जाता है। तो एक इंस्टीट्यूट है, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, सीखते हैं अलग अलग आर्टिस्ट। और यहाँ पर जो पूरा एक इलाका है इंस्टीट्यूट का, कई सारी दुकानें भी हैं, आप चाहें तो ये चीज़ें खरीद के ले जा भी सकते हैं। और यहाँ पे एक हॉस्टल भी है और रहने की भी व्यवस्था है, काफ़ी कम पैसों में आप चाहें तो यहाँ पे रह सकते हैं। तो काफ़ी बड़े इलाके में है, और जो लोग आर्ट और आर्ट के शौकीन होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी और खूबसूरत जगह है तिब्बतन आर्ट और कल्चर का। तो बहुत शानदार जगह ये, आप जा सकते हैं और कुछ चीज़ें यहाँ से खरीद के आप ले जा सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। इसको कहा जाता है नोपलिंगा इंस्टीट्यूट। तो इसकी फ़ीस है, तो 100 रुपये पर पर्सन इसकी फ़ीस है। इसके बाद आप जाएंगे धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम से एक है। आपने कुछ जो IPL के मैच होते हैं और इसके अलावा कई और वन डे इंटरनेशनल मैच भी देखे होंगे, जिसमें चारों तरफ बर्फ गिरी रहती है और बीच में क्रिकेट मैच चल रहा होता है, तो ये जगह बहुत खूबसूरत है। तो ये अभी कुछ ही साल हुए हैं इस क्रिकेट स्टेडियम को बने हुए, और इसको देखने आप जरूर जाएं, बहुत खूबसूरत है। धर्मशाला के बीचों बीच स्थित है ये, यहाँ जाए। इसके अलावा दलाई लामा टेम्पल है, जैसा कि आपको आपको मैं बता दूं, जो धर्मशाला है ये जो बुद्ध लोग हैं जो तिब्बत से एग्जाइल की जो ज़िंदगी जी रहे हैं, जो तिब्बत में नहीं रहते, तो उनकी ये राजधानी है। यहीं से पूरा धर्मशाला और मैक्लोडगंज से ही पूरा जो बुद्ध लोग तिब्बत से बाहर रह रहे हैं, जो तिब्बत नहीं जाना चाहते हैं, उनका प्रधानमंत्री होता है, सब कुछ होता है, और दलाई लामा का निवास स्थान भी यहीं पर है। तो ये दलाई लामा का मंदिर इसे कहा जाता है, बहुत खूबसूरत है। और इसमें जो तिब्बतन आर्ट कल्चर अंदर जाके आप देख सकते हैं कैसे तिब्बत के आर्ट कल्चर को संजो के रखा गया, वहाँ की हिस्ट्री आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये बुद्ध लोगों की राजधानी है, तिब्बत के जो लोग हैं उनकी राजधानी है जो बाहर रह रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी बुद्ध मॉनेस्ट्री हैं। इसी में से एक है नामग्याल मॉनेस्ट्री, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़े इलाके में फैली हुई है। यहाँ पर बहुत सारे तिब्बती जो मॉन्क हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तो इसको भी आप देखने जाएं। तो इस तरीके से जो नेचुरल जगह हैं मैक्लोडगंज और धर्मशाला में, उनको अंदर जाने के लिए कुछ पास नहीं लगता, बस आपको टैक्सी से जब जाएंगे आसपास तो टैक्सी का आपका खर्चा है। और जो धर्मशाला मैक्लोडगंज है वो एक और चीज़ के लिए फेमस है, ट्रैकिंग के लिए। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हो, यानी कि एक रात आप बिल्कुल दूर, होटल से दूर, सिविलाइजेशन से दूर टेंट में बिताना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पर
ओट ट्रैक है, ट्रेन ट्रैक है, तो अलग अलग लेवल हैं ट्रैकिंग के, कि आप चाहें तो सिर्फ एक दिन वाली ट्रैकिंग कर सकते हैं, यानी 3-4 किलोमीटर से थोड़ा सा आगे चल के ऊपर रुके, रात को रुके और नीचे आ गए, और उससे एडवांस करना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो उसके अलग अलग प्राइस हैं, 3,000, 6,000 क्या है, इस ढंग से आप ये कर सकते हैं। तो इस ट्रैकिंग में आपको, आपके साथ गाइड होता है, आपके साथ सामान वामान पकड़ने वाले भी लोग होते हैं, और वहीं पर टेंट लगता है, एक ऊंचाई तक पैदल जाते हैं, फिर वहीं पर रुकते हैं, टेंट रुकता है, और फिर रात को दूसरे दिन वापस आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहता है। तो इस प्रकार से अगर आप धर्मशाला मैक्लोडगंज जाने का सोच रहे हो, तो ये टूल का इस्तेमाल करें, और इससे आपको पूरा का पूरा पता लग जाता है आपका खर्चा क्या रहता है वहाँ पर। तो आप जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर, अभी 11,000 रुपये का 2 लोग का आपका ही खर्चा आ रहा है, पर ये खर्चा वेरी करता है सीजन टू सीजन, ऑफ सीजन कितने लोग हैं, और ये खर्चा तब है जब आप खुद से जा रहे हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप इस टूल का इस्तेमाल करें, वेबसाइट का नाम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप वीडियो के नीचे भी आप इसको देख सकते हैं।